नमस्कार, मैं हूं रोमिता तिवारी। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। बंसल ग्रुप हमेशा से ही शिक्षा को लेकर बेहतर काम करता आ रहा है। समय समय पर छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन और उनके करियर को लेकर जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में भी हम उन लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके इसके लिए काम भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्यम कुमार, जो कि एपिकल कोचिंग क्लासेस एमपी नगर भोपाल के डायरेक्टर हैं, और उनके साथ हैं रागनी सोंधिया, जो कि 12th क्लास की स्टूडेंट हैं और 12th क्लास में उन्होंने 2019 में एमपी बोर्ड में टॉप किया है, सेकंड रैंक उन्होंने हासिल की है। आप दोनों का ही लक्ष्य बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सत्यम जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि आपका ये जो इंस्टीट्यूट है ये किस टारगेट के साथ काम कर रहा है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है स्कूल के बाद। तो आप लोग किस तरह से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं और क्या कुछ नया आपका इंस्टीट्यूट कर रहा है? मैम, मैं एपिकल क्लासेस 2015 में ओपन किया था। फर्स्ट ब्रांच मेरा शाहपुरा में था, तो उसके बाद मैंने सेकेंड ब्रांच साकेत नगर में और थर्ड ब्रांच 2019 में एमपी नगर में स्टार्ट किया। तो एमपी नगर में स्टार्ट करने का मेरा एक ही मेन उद्देश्य था कि एमपी नगर के जो भी कोचिंग क्लासेस हैं वहाँ पर बच्चे को निम्न स्तर का फीस नहीं मिल पाता था। तो मैंने यहाँ पर एमपी नगर में इसलिए स्टार्ट करवाया गया है मैम कि जो अपने मीडियम फैमिली के बच्चे हैं तो वो वहाँ पर पढ़ सके। और तो मेरे साथ अमित आनंद मिश्रा जी और अमित पाठक और विकास पाठक, सबका योगदान रहा एपिकल क्लासेस को आगे बढ़ाने में। बस चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बच्चों के इस स्तर के बारे में भी सोचा और इस उद्देश्य के साथ आपका इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। रागनी, ये बताइए कि आपको एपिकल कोचिंग क्लासेस में बाकी कोचिंग क्लासेस से अलग क्या कुछ लगा? आपने यहाँ पर पढ़ाई की है तो क्या कुछ आप इसके लिए महसूस करती हैं? मुझे बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिली। जैसे अमित सर, सत्यम सर हमेशा मुझे समझाते थे कि स्ट्रेस नहीं लो, जो भी तुमसे बन रहा है वो हमेशा अपना बेस्ट दो हर चीज़ में। और जो सर मुझे हमेशा पढ़ाते थे, मैं उसे घर जाके रोज़ रिवाइज, सबसे पहले उसे रिवाइज करती थी, जो सर कहते थे हमेशा वही करती थी। और और मेरी सेकंड रैंक है मध्य प्रदेश में बायोलॉजी से। मेरा स्कूल सुभाष एक्सलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल है। और हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं सुधाकर पारा सर, उनकी गाइडलाइंस ने भी मुझे बहुत हेल्प करी। और आगे जिस तरह से आपने बताया कि बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट था और आपने सेकंड रैंक हासिल की है, समझ सकते हैं हम कि बहुत मेहनत लगी होगी। और बायोलॉजी अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो ज़रा ये भी बताइए कि किस तरह से आपने तैयारी की, क्योंकि बहुत सारे 12th के स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके ये टिप्स बहुत उनके काम आएंगे। जी, मेरी क्लास में ये कोशिश रहती थी कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं हिंदी इंग्लिश, उनमें मेरी ये कोशिश रहती थी कि जो सर पढ़ा रहे हैं क्लास में उन्हें उसी टाइम पढ़ लें, ताकि घर जाके जो मेरे मेन सब्जेक्ट हैं बायोलॉजी फिज़िक्स केमिस्ट्री उन्हें मैं ज़्यादा टाइम दे सकूं। फिज़िक्स में जो फिज़िक्स है प्रैक्टिस मांगती है, तो फिज़िक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और चले, तो बहुत मेहनत आपने इसके लिए की। और किस तरह से टाइम टेबल आपने बनाया है, जब लास्ट के 3 मंथ्स बचे होंगे तो किस तरह से उस वक्त आपने पढ़ाई की, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है रागनी, जब मेहनत बच्चा अपने फ्यूचर के लिए करता है, अपने अच्छे रिजल्ट के लिए करता है। तो इसमें कुछ खास किया जो आप ऐसे बच्चों को बताना चाहेंगी जो भी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं? जैसे ये लास्ट का टाइम है जनवरी फरवरी का, तो उसमें सर ने मुझे समझाया था कि टाइम टेबल सेट करो 3 घंटे का हमेशा, और रोज़ की आदत बना लो कि 3 घंटे बैठ कर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। तो मेरा ये शेड्यूल बन गया था कि रोज़ 3 घंटे बैठ के सबसे पहले प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं, और इवन जब फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म में कोई मार्क्स कम आ जाए तो उसमें मैं निराश नहीं होती थी। सर ने ये कहा था कि अपनी गलतियाँ देखो, जो गलती हो रही है, और ये ठान लो कि नेक्स्ट बार से ये गलतियाँ नहीं होंगी।
तो मैं मार्क्स पे इतना फोकस नहीं करती थी, मैं अपनी गलतियाँ देखती थी जो मुझसे गलतियाँ हो रही हैं और मैं इस गलती को नेक्स्ट बार ना करूं, तो मैं ये सोचती, जिससे मुझे मेरे बोर्ड में बहुत फ़ायदा मिला और वो गलतियां मैंने बोर्ड में जाके नहीं करी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आपने बताया कि आपने प्रैक्टिस खूब ज़्यादा करी और क्या कुछ शेड्यूल में शामिल किया, इसके बारे में हम और भी आपसे जानेंगे। सत्यम जी, आप ये बताएं कि जिस तरह से रागनी यहाँ पर बता रही हैं कि काफ़ी मेहनत जो है कोचिंग क्लासेस में भी आप बच्चों पर करते हैं, और क्या कुछ अलग आपका इंस्टीट्यूट जो है वो कर रहा है ताकि बच्चे और बेहतर तरीके से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकें, क्योंकि अक्सर स्कूल में बहुत कुछ ऐसा होता है जो छूट जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता, तो ये सोचते हैं कि हम कोचिंग में जाके पढ़ लेंगे। मैम, मैं कोचिंग क्लासेस में बच्चे को सर्वप्रथम, जैसे मेरा कोचिंग क्लासेस 9 to 12 है मैम, अगर मैं 9 में एंट्री लेता हूँ बच्चे को, तो मैं सबसे पहले बच्चे के लिए देखा जाता है कि आपको 6 आता है या 7th क्लासेस का बेसिक आता है या 8th क्लासेस का नहीं आता है, ठीक है। तो उसको मैं पहले बेसिक को कंप्लीट करवाता हूँ। 9th क्लास में जैसे एंट्री लिया तो 6, 7, 8 का बेसिक क्लास चलवाया जाता है, 10 days to 15 days में उसे कंप्लीट करवाया जाता है, क्योंकि बच्चे को आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बेसिक ही नहीं आता है बच्चे को। बेसिक को अगर मैं कंप्लीट कर लिया जाए बेसिक, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे 9th क्लास में बच्चे एंट्री लेता हूँ मैं, तो उसमें होता है उसको 6 का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं आता है, 7th का नहीं आता है, 8th का नहीं आता है। उस बेसिक को मैं पहले क्या करता हूँ, बच्चे के लिए 10 to 15 days का एक क्लास रखता हूँ जिसमें बेसिक कंप्लीट किया जाता है, जिससे क्या होता है उसके न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में हमको प्रॉब्लम नहीं होता है और बच्चे को भी ग्रो करने में आगे प्रॉब्लम नहीं होता है। मैम बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और एक नया कॉन्सेप्ट है जिस पर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट काम कर रहा है कि बच्चे के पुराने कॉन्सेप्ट को भी आप लोग पहले क्लियर करते हैं। रागनी, इस कॉन्सेप्ट ने आपकी कितनी हेल्प की जब यहाँ पर आप पहुँची, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कितना पसंद आया, कितनी हेल्पफुल ये साबित हुई? जी, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि जो मेरे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर नहीं थे, तो सर हमेशा जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था या छुट्टी के बाद सर मुझे पढ़ाते थे, वो सारी चीज़ें मुझे समझाते थे, जिससे आगे मुझे बहुत हेल्प मिली। जो कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी चीज़ें जिनकी वजह से हम बड़ी चीज़ें नहीं समझ सकते, तो उस चीज़ों को समझ के फिर मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई आगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो पढ़ने में। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे भी काफ़ी अच्छा और फ़ायदेमंद महसूस करते हैं सत्यम जी आपके इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे इतने क्लासेस पास करके आते हैं लेकिन उनके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्योंकि अभी क्रूशियल टाइम है, काफ़ी पीक टाइम है बच्चों के लिए, तो फिलहाल आपके कोचिंग में किस तरह से पढ़ाई करवाई जा रही है, क्या कुछ विशेष आप लोग कर रहे हैं बच्चों के लिए? यस मैम, मैं जैसे स्टार्टिंग से मैं जैसे अभी 10 and 12 बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशल क्लासेस रख रहा हूँ। सब मैं स्टार्टिंग क्लास हुआ था मार्च से मैम, और मैं इसका फर्स्ट जून या जुलाई में मैं इसका कंप्लीट कर दिया। 7 to 8 hours का क्लासेस लिया जाता है, जिससे यहाँ रागनी जो बैठी हुई है उनसे आप उनको मैं कम से कम 8 to 9 hours का क्लासेस कंप्लीट करवाया गया, और कोर्स को मैं पूरे ईयरली 3 times कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि बच्चे को फर्स्ट टाइम कोर्स के बारे में बस ऑब्जर्वेशन पता चलता है कि इसमें है क्या, सेकेंड टाइम उसके बारे में वो इंटरेस्ट आता है, चलो अब हमको करना क्या है क्या नहीं करना है, और थर्ड टाइम में वो समझने लगते हैं, हैंडल करने लगते हैं और उसे प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे मैं किसी भी यूनिट का अगर यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो उसे मैं क्या करता हूँ, उसे थ्री पार्ट में यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। फर्स्ट 1 marks से क्वेश्चन, 2 marks से क्वेश्चन, 3 marks और 4 and 5 marks, इसमें 3 tests लिया जाता है। 1 and 2 marks वाले जो यूनिट अलग से टेस्ट लिया जाता है यूनिट का, फिर 3 marks, इसके बाद 4 marks। और तो जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूँ बेसिकली, तो उसमें मैं 20 tests करवाता हूँ मैं ईयरली। इसमें पहले यूनिट वाइज टेस्ट होता है, 9 units है तो 9 units का टेस्ट लिया जाता है, और इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट किया जाता है। फुल लेंथ को मैं 5 times में डिवाइड करता हूँ, फर्स्ट 1 marks क्वेश्चन, 2 marks क्वेश्चन, 3 marks एंड 4 and 5 marks। इसके बाद मैं फिजिक्स को 2 parts में बांट देता हूँ, जैसे आपका 1 to 5 units के यूनिट को आपको पहले करना है, फिर से 6 to 9 को करना है, इसके बाद फुल लेंथ का टेस्ट करवाया जाता है मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से आप 3 times कोर्सेज जो हैं उसको पूरा करते हैं, और बच्चा निश्चित तौर पे बहुत अच्छे से समझ पाता होगा जब 3 times वो एक ही चीज़ें पढ़ता होगा, एक ही सब्जेक्ट को वो अगर रिवाइज करता है बार बार, तो बहुत अच्छे से उसे समझ पाता होगा। रागनी, इतना अच्छा आपका परसेंटाइल है, 95.2 आपका परसेंटाइल बना है, तो आगे क्या कुछ आपने अपने भविष्य के लिए सोचा है?
मेरा इंटरेस्ट है डॉक्टर MBBS करना, और मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके और MBBS पूरी करके एक IPS भी बनना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप अभी कुछ तैयारी कर रही जी, हैं? जी, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। तो सेल्फ स्टडी में अक्सर बच्चे कोचिंग भी इसके लिए जाते हैं, तो क्या आप ऐसा महसूस करती हैं कि खुद से भी तैयारी करके इस तरह के एग्जाम्स निकाले जा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, कोचिंग आपको बस एक मटेरियल प्रोवाइड करती है, मेहनत तो हमें खुद करनी पड़ती है। तो फिलहाल जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या किसी साइट से जाके आप पढ़ाई करती हैं, बुक्स पर फोकस्ड हैं, कैसे कर रही हैं अभी फिलहाल? मैं बुक्स पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ क्योंकि जो बुक्स हैं जनरल नॉलेज और जो साइंस से रिलेटेड हैं तो उन पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लक्ष्य के लिए। सत्यम जी, जिस तरह से रागनी यहाँ पर बता रही हैं कि उनका लक्ष्य है आगे वो MBBS जो है करना चाहती है, इसके लिए तैयारी भी कर रही हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप लोग बच्चे को तैयार करते हैं, इस तरह से पढ़ाते हैं जहाँ पर आप उनके फुल लेंथ टेस्ट भी ले रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं, तो क्या इसमें इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखते हैं कि आगे अगर बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इस चीज़ का फ़ायदा उसे वहाँ पर भी मिले? मैम, मैं जब इंट्री लेता हूँ बच्चे का 9th में, तो उसमें मैं बच्चे को उस समय ही पूछ लिया जाता है, क्या बेटा आपको करना क्या है? ठीक, अगर आपको आर्ट्स फील्ड में जाना है, कॉमर्स फील्ड में जाना है या साइंस फील्ड में जाना है, साइंस में आपका 2 पार्ट हो जाता है, PCM एंड PCB, तो मैं उसे बोलता हूँ कि बेटा आप जो है ना फर्स्ट स्टार्टिंग से उस पर ही फोकस करें। ठीक, और पेरेंट्स को बोलकर बुलाकर समझा दिया जाता है, अगर किसी को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो मैं उस पर PCM पर ही फोकस करवाता हूँ। ठीक, इससे क्या होता है मैम, और उसका इंटरेस्ट पहले सबसे पहले मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे में इंटरेस्ट जगाना। जिस तरह से बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं तो मम्मी पापा से पूछ के वीडियो गेम नहीं खेलते हैं, उसी तरह से एक इंटरेस्ट आता है बच्चे को, तो अब वीडियो गेम खेलने लगते हैं। उसी तरह से बच्चे को अगर पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट जग गया तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं जैसे 9th में बच्चे एंट्री लेते हैं तो मैं उस जैसे PCM जिसको लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर उसको फोकस करवाता हूँ, बायो वाले को बायो पर फोकस करवाता हूँ, आर्ट्स वाले को आर्ट्स पर फोकस करवाता हूँ, ताकि वो आगे जाकर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब बच्चा इंटरेस्ट रखता है तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। सत्यम जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप फिजिक्स के टीचर हैं, और फिजिक्स मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ऐसा सब्जेक्ट लगता है जिस पे उनकी कमांड उतनी बेहतर नहीं हो पाती है, तो क्योंकि कम समय बचा हुआ है तो आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे फिजिक्स को लेकर, क्योंकि काफ़ी डेरिवेशंस होते हैं, बहुत सारी थ्योरी भी होती है, तो कैसे टैकल करें इसे? बच्चे फिजिक्स को लाइट, फिजिक्स सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है मैम, बच्चे क्या करते हैं उसके कॉन्सेप्ट को पढ़े। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले आप थ्योरी को हैंडल करें, और किसी भी रेफरेंस बुक से कोई भी बुक हो उसको ध्यान से आप पढ़ें, उसके कॉन्सेप्ट को देखें, क्या क्या बोलना, क्या चाहे समझना, पहले उसके बारे में पढ़ने के बाद उसको सोचें समझें कि करना क्या है, और उससे रिलेटेड पहले जैसे कोई एक थ्योरी हम पढ़ें उससे रिलेटेड 5 नॉमिनिकल करें, नॉमिनिकल करने के बाद थोड़ी देर के बाद उससे रिलेटेड और दूसरे टाइप के नॉमिनिकल अपने से क्रिएट करें कि इससे रिलेटेड नॉमिनिकल ये जो बुक से बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मैं अपने थिंकिंग लेवल से इस क्वेश्चन को मूव कर सकूं, ठीक, इस न्यू क्वेश्चन क्रिएट करें, बच्चे को बताने का ये उद्देश्य है कि थिंकिंग लेवल बढ़ाओ। थिंकिंग लेवल बढ़ाने का मतलब क्या, अपने से क्वेश्चन को जनरेट करो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि डेरिवेशंस होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो बच्चा अक्सर अगर उसे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो उसमें उलझ जाता है, और ये पेपर ही जो है इसी पर बेस्ड होता है। रागनी से हम और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रागनी ने 12th क्लास में 2nd रैंक हासिल किया है बायो सब्जेक्ट से। रागनी, आप ये बताइए कि आपने पेपर कैसे सॉल्व किया, किस तरह से आपने कुछ अलग एफर्ट्स उसमें लगाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने किस मेथड से पेपर को सॉल्व किया है, उसमें क्या कुछ इंक्लूड किया है, आपकी हैंडराइटिंग, डायग्राम्स, ये सारी चीजें आपने इंक्लूड करी होंगी निश्चित तौर पे, जब भी आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, तो इसको लेकर टिप्स बताए, क्योंकि अक्सर बच्चे पेपर देके बहुत घबरा जाते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये ऐसा होता है कि वो पढ़ के तो जाते हैं लेकिन इतना आउटपुट उन्हें नहीं मिलता घबराहट के कारण। तो मैं ये पहले कहना चाहूँगी कि रिलैक्स होकर पेपर दें, और जैसा कि मैंने कहा बताया था कि मैं रोज़ 3 घंटे पेपर सॉल्व करती थी, मैंने अपनी थिंक माइंड ऐसा सेट कर लिया था कि नहीं अभी बोर्ड आ रहे हैं, मैं रोज़ बोर्ड के पेपर दे रही हूँ, जिससे है ना मुझे उस टाइम जाके नर्वस फील नहीं हुआ। और जब मैं अपनी कॉपियाँ चेक करती थी तो उस जब चेक करने के दौरान मुझे पता चलता था कि मेरी क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, उन्हें गलतियाँ को मैं रोकती थी
और फिर प्रैक्टिस जैसे सर हैं, सर बताते थे कि किसी क्वेश्चन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट वाइज या ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना है, तो उससे मुझे बहुत अच्छे से पता चलता था और नेक्स्ट बार फिर मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से रिप्रेजेंट करती थी। चलिए, ये बहुत अच्छी टिप्स आपने दी कि रिप्रेजेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा क्वेश्चन आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये जब आप समझ पाएंगे, जब आप लगातार सैम्पल पेपर्स करेंगे या आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो पाएंगे। सत्यम जी, क्योंकि आपने बताया कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब बच्चा आता है तो आप पहले ही उनसे पूछ लेते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस में है, किस में आगे जाना चाहता है, तो क्या करियर के काउंसलिंग के लिए भी आप लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में? यस मैम, बच्चे पहले, मेरे कोचिंग का एक विशेषता ये है मैम, अगर मैं बच्चे जैसे 9th क्लास के भाई स्टूडेंट को मैं एंट्री लेता हूँ तो लिमिटेड सीट है, और लिमिटेड सीट जैसे 9th में मैं 25 ही एडमिशन लेता हूँ और 10th में 30 स्टूडेंट, क्योंकि और 9th वाले को मैं मिनिमम 3 आवर्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर 25 स्टूडेंट है मैम तो उसको क्या है क्वेश्चन अराइज करने का टीचर से उसको मौका मिल सके, नहीं तो बच्चे बैठे रहते, कुछ बच्चे में क्या होता है हेजिटेशन होता है, वो बोल नहीं पाते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो मैं जितने भी बच्चे हैं पहले उसको मैं प्रेजेंटेशन स्किल इंक्रीज करवाता हूँ, जैसे कोई एक टॉपिक दे दिया मैं, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मान लिया जाए कि मैं न्यूटन्स लॉ ही पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको बोलूँगा क्या तुमको कल इसको सारी क्लास वाले बच्चे को पढ़ाना है, इससे क्या हो जाता है उसका प्रेजेंटेशन स्किल इंक्रीज हो जाता है और हेजिटेशन हट जाता है और आगे जाकर उसे प्रॉब्लम नहीं होता है। बिल्कुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई रागनी। आपको लगता है कि ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी में भी काफ़ी हेल्प करता है, जिस तरह से आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस तरह से बच्चों को ये टॉपिक दे दिया गया कि कल आपको ये पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता होगा आपको? जी, बहुत हेल्प करता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि किस तरीके से अपनी बातों को रिप्रेजेंट करना है, किसी और को अपनी बातें कैसे किस तरीके से समझानी है, और सबके सामने बोलने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं, हमें हमारी जो दिमाग में है वो रिटेंशन होती है कि हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया था सबके सामने, तो वो एग्ज़ाम पे हमें बहुत हेल्प मिलता है। और जी, और मेरी एक टिप थी कि कुछ चीज़ें जो मुझे याद नहीं होती थी, जैसे बायोलॉजी है और फिज़िक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं, जो मुझे याद नहीं हो पाते थे, तो मैं उन्हें वॉल में स्टिक कर देती थी, जिस और एक शेड्यूल बना लिया था कि सुबह या शाम को रोज़ 15 मिनट उस चीज़ों को पढ़नी है जो वॉल में मैंने स्टिक करी है, वॉल रीडिंग, और इससे है ना बहुत आसानी मिलती है चीज़ों को याद करने के लिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये भी आपने दी, और यही फ़ायदा होता है जब आप किसी टॉपर से बात करते हैं कि बहुत सारे टिप्स जो हैं वो निकल कर सामने आते हैं, और ये टिप्स जो हैं उन बच्चों के लिए बहुत काम आने वाले हैं जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं 12th की और हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। सत्यम जी, क्योंकि आप लगातार ऐसे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं, टॉप कर चुके हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आप क्या कुछ पैटर्न में बदलाव देखते हैं, और इस बार क्या कुछ आप नया उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कौन से वो टॉपिक्स होंगे जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस तरह का कुछ है आपका अनुमान? यस मैम, पहले बच्चे को एक मैं फोकस करना चाहिए, जैसे फिजिक्स में ही है तो उसको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए ना, जैसे यूनिट नंबर 1 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बच्चे को ये नहीं करना चाहिए कि वहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अपने टाइम को बचाना चाहिए, यानी ब्लूप्रिंट को फोकस करते हुए बोर्ड का प्रिपरेशन करने से उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे उसका स्कोर 100% होगा। और बच्चे को करना क्या चाहिए, 8:30 to 11:30 बोर्ड का टाइमिंग होता है 8:30 to 11:30, तो स्टॉप वॉच लगाओ और उसमें क्या करो अपना टेस्ट दो, कोचिंग वाले टेस्ट ले ना ले, स्कूल वाले ले ना ले, आपको पर्सनल टेस्ट डेली देना है, क्यों इससे क्या होता है बॉडी सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता है, सीटिंग हैबिट हो जाता है बैठने का, उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। 8:30 to 11:30 टेस्ट दे रहे हैं, कुछ बच्चे थक जाते हैं टेस्ट में, उसको थकना नहीं चाहिए, तो 8:30 to 11:30 डेली टेस्ट दो, और अगर 3 घंटे का टेस्ट होता है तो आप घर में मिनिमम 2 आवर्स में उसे कंप्लीट करो, इससे क्या होगा बोर्ड का जो प्रेशर है उसे आप हैंडल कर सकते हो, अदरवाइज वहाँ पर क्या होता है कुछ बच्चे को क्वेश्चन आता है खासकर फिजिक्स में, और क्वेश्चन छूट जाता है फिजिक्स में, क्वेश्चन इस टाइप से आपको सेलेक्ट करना है, अगर आपको 2 क्वेश्चन आ रहा है फिजिक्स में, हर क्वेश्चन में एमपी बोर्ड में क्या होता है कि और का ऑप्शन रहता है जी। तो आपको वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जो आपको आता है, आपको आता है, बट क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इस कम समय वो ले,
कहीं टाइम कम कंज्यूम ले, वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने से बच्चे का टाइम बच जाता है। क्योंकि फिजिक्स में मैं देखा हूँ क्या बच्चे का कि बेसिकली पेपर छूट जाता है, आते हुए पेपर छूट जाता है। तो आपको पहले टारगेट लो, क्वेश्चन दो क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है और उसमें से टाइम कम कहाँ पर कम लग रहा है। बिल्कुल, और टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप इस तरह के एग्जाम्स हैंडल करते हैं, प्रेशर हैंडल करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपने दी सत्यम जी। रागनी, बस आखिर में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप ऐसे बच्चों को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद उसी टिप का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, जैसे कि अभी एक बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि टेंशन ना लें, रिलैक्स होकर पढ़ें और नई चीज़ें अभी कुछ ना पढ़ें, जो भी अभी तक जितना पढ़ चुके हैं वो रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को रिवाइज करें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जो पढ़ते हैं फिर वो हम एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं, फिर हमें उस चीज़ का अफसोस होता है। तो इसीलिए जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। चलिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये टाइम रिवीजन के लिए ही आपको रखना चाहिए, इसलिए कुछ भी नया ना पढ़ें। और रागनी ने जो टिप्स दी हैं उसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम आज बात कर रहे थे एपिकल कोचिंग क्लासेस के जो डायरेक्टर हैं उनसे, जो ये बता रहे थे कि किस तरह से उनके कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो बच्चा यहाँ पर आता है उसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। रागनी हमारे साथ ही, जिन्होंने 12th क्लास में सेकंड रैंक हासिल की है और बहुत सारी टिप्स आपको दिए, साथ ही वो MBBS करना चाहती हैं, जिसकी तरफ से बंसल न्यूज़ उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए लक्ष्य के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार। We'll be right back.